स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र की सियासत में असली शिवसेना के लिए दावेदारी पर घमासान छिड़ा हुआ है। नाम और निशान मिलने के बाद शिंदे गुट ने आज लोकसभा में शिवसेना के ऑफिस पर कब्जा कर लिया, जबकि विधानसभा के ऑफिस में शिंदे गुट का पहले से ही कब्जा है। अब पूरी सियासत संपत्ति को लेकर है। शिंदे गुट शिवसेना के नाम से जो भी असेट्स है उस पर अपना दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, सवाल है कि अब महाराष्ट्र में क्या होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। छिन गया नाम निशान, अब संपत्ति पर संग्राम। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और निशान छिन गया है। विधानसभा और लोकसभा में ऑफिस छिन गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन दूसरे दिन भी सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। अब लड़ाई मातोश्री, शिवसेना भवन, सामना अखबार और बाकी संपत्तियों की है। फ्रीडम ऐप से सीखकर, क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात शिवसेना भवन की। शिवसेना भवन पर शिवाई सेवा ट्रस्ट के मालिकाना हक है। ट्रस्ट का चेयरपर्सन ठाकरे परिवार है, जिसका दशकों से पार्टी के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होता है। शिवसैनिक इस भवन को मंदिर मानते हैं। बाला साहब से इमोशनल कनेक्शन है और शिंदे गुट इस बात को जानता है। इसलिए शिंदे गुट ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि अभी वो शिवसेना भवन पर दावा नहीं करेगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, और उसकी गर्माने की सबसे बड़ी वजह है शिंदे गुट, जो अब शिवसेना बन गई है, और उसका मुकाबला उद्धव बाला साहब ठाकरे, हम कहें उद्धव गुट के साथ हो गया है। और वजह नए विवाद की है, शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज को लेकर, या हम कहें संपत्तियों को लेकर, चाहे वो पार्टी फंड का हो या जो उसकी बनी हुई पार्टी की शाखाएं हो, या सेना भवन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है आज भी, जहां पर उद्धव बाला साहब ठाकरे खुद आके अपने यहां पर मीटिंग लिए थे अपने पार्टी नेताओं के साथ, यही वो शिवसेना भवन है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है। क्योंकि अधिकार पार्टी का, जब पार्टी सिंबल और नाम का इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिंदे गुट को मिल गया है, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या वो शिवसेना भवन पर भी अपना अधिकार जमाएंगे। कानून के जो जानकार है उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि ये जो सेना भवन है इसको शिवाई वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से बनाया गया था, और उस समय बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, और तभी से ये ट्रस्ट के अधीन चलता आ रहा है, जिसके जो मेन गार्जियन है, या हम कहें चेयरपर्सन है, वो ठाकरे का परिवार है। उसमें उद्धव ठाकरे समेत उनका बाकी, उनकी पत्नी और उनका जो बेटा आदित्य है, वो इसके मेन होल्डर हैं। साथ में ट्रस्टियों का भी एक पूरा ग्रुप है। तो ऐसे में जानकारों का, जो कानून के जानकार है, उनका कहना है कि अगर ट्रस्टीज को किसी तरीके से शिंदे गुट ठीक उसी तरीके से जैसे विधायकों को और सांसदों को अपनी तरफ ले लेता है, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं ट्रस्टियों को, तो शिवसेना भवन भी कहीं ना कहीं उनके पास जा सकता है। क्योंकि ट्रस्ट में भी ठीक वही तरीका होता है काम करने का जिस तरीके से विधान परिषद या विधानसभा के अंदर होता है। तो ऐसे में क्या शिवसेना भवन पे कब्जा करेंगे या क्लेम किया जाएगा उद्धव गुट के, शिंदे गुट के द्वारा? तो आज जो उनके चीफ व्हिप थे भरत गोगावले, जो काफी बड़े नेता माने जाते हैं शिंदे गुट के, उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल, वो या उनकी पार्टी के किसी नेता के जरिए शिवसेना भवन के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताया जाएगा। क्योंकि शिवसैनिकों के लिए सेना भवन एक मंदिर के समान है। हर कोई जो शिवसैनिक अपने आप को मानता है, कट्टर जो विचारधारा है बाला साहब ठाकरे की, उसको मानने वाला शख्स सेना भवन जरूर आता है, और ऐसे में वो अपने तरफ से इसकी पहल नहीं करेंगे कि वो शिवसेना भवन के ऊपर कब्जा, अपना अधिकार जमाएं। हालांकि वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जब भी यहाँ से गुजरेंगे अपना माथा जरूर टेकेंगे। तो ऐसे में जो सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं कि शाखाओं और जो सामना का दफ्तर है उसके बाद क्या शिवसेना का जो सेना भवन, जिसे दादर में कहा जाता है, जिसकी पहचान
पूरे मुंबई न सिर्फ पूरे देश भर में एक कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा की एक स्तंभ के तौर पर माना जाता है और आतंकियों के भी निशाने पर अक्सर ये सेना भवन रहती है, तो क्या उसका अधिकार उनको मिलेगा? तो कानूनी जानकार तो यही कहते हैं कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव गुट के अलावा विरोधी शिंदे गुट है, उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल वो सेना भवन पर उनका कोई अधिकार वो नहीं जताएंगे, क्योंकि उनके लिए ये मंदिर के समान है। शिवसेना भवन के बाद उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा मातोश्री। एक समय था जब 3 मंजिला इस भवन के सामने मुंबई की हर इमारत बौनी थी। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश के लिए हिंदुत्व और सियासी उठापटक का सबसे बड़ा अखाड़ा था, लेकिन आज उद्धव को इस बिल्डिंग के भी हाथ से जाने का डर सता रहा है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 80 के दशक में बाला साहब इसमें रहने आए थे। बिल्डिंग में कुल 3 मंजिले हैं। ग्राउंड फ्लोर पार्टी शिवसेना के लिए है, फर्स्ट फ्लोर अपने बड़े बेटे और उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे के लिए, तो वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल उद्धव के नाम पर है। अब उद्धव को इसी बात का डर सता रहा है कि शिवसेना का नाम और निशान जाने के बाद कहीं मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर न छिन जाए, क्योंकि शिंदे गुट पार्टी की हर प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। मातोश्री के बाद अब बात शिवसेना के मुखपत्र सामना की। मराठी में सामना की शुरुआत बाला साहब ने 1988 में की थी, फिर 1933 में हिंदी में दोपहर का सामना नाम से शुरुआत की गई। प्रबोधन कर पब्लिकेशन हाउस से छपता है सामना। बाला साहब ने पब्लिकेशन का नाम अपने पिता के नाम पर रखा था। त्यांनी पक्षाचं नाव आणि चिन्ह जरी चोरलं किंवा चोरण्याचा प्रयत्न जरी केलेला असला आणि त्याला मी तर मगाशी माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हा पूर्वनियोजित कट होता आणि आहे, पण आता आपण जे म्हणालात की त्यांनी शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत, त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो, ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाहीत। जब प्रॉपर्टीज की बात आती है या शाखाओं की हम बात करते हैं, तो दो सबसे ज्यादा प्रमुख जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो है सामना का ये दफ्तर जो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, जो प्रभा देवी इलाके में मुंबई के स्थित है, और दूसरा है दादर का सेना भवन जिसे शिवसेना भवन भी कहा जाता है। इस सामना का इतिहास उस समय से शुरू होता है जब बाला साहब ठाकरे ने जनवरी 1988 में मराठी में निकलने वाले सामना के दफ्तर को इस जगह पर इस्टैब्लिश किया था, और 1993 में दोपहर का सामना जो हिंदी में छपता है उसको इसी जगह से ऑफिस से शुरुआत की थी। और उसके पीछे का एक अपना एक बहुत ठोस इतिहास भी रहा है कि जिस समय देश भर में राजनीतिक करवट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही थी, कांग्रेस का धीरे धीरे पतन हो रहा था और जनता का जो जनता दल या हम कहें जनता पार्टी का उदय हो रहा था, उस दौरान बाला साहब ठाकरे का ये मानना था कि मराठी माणूस और मराठी भाषा को ज़्यादा जो उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं वो पेपरों में उनको जगह नहीं मिलती है, जिसके बाद सामना के मराठी पत्र निकालने के बाद से उस बात को एक बढ़ावा मिला और महत्व मिला। लेकिन जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है सामना ऑफिस के अधिकार को लेकर, उसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे का जिस समय उन्होंने अपनी एक गुट बनाई थी उसमें जो काफ़ी बड़े नेता यहाँ के खासतौर पर दादर और प्रभा देवी इलाके में उनका पुराना एक वर्चस्व रहा है सदा सरवणकर, वो उनके साथ जुड़ गए थे और उनकी ठीक ऑफिस जो है सामना के दफ्तर के बगल में है। और अब बहस हो रही है कि अधिकार सामना के ऊपर किसका होगा, तो आपको बता दें कि सामना का जो जहाँ तक सवाल है पूरी की पूरी ट्रस्ट या हम कहें जो पब्लिकेशन है वो प्रबोधन कर पब्लिकेशन के नाम से छपती है। प्रबोधन कर बाला साहब ठाकरे के पिताजी का नाम था और उन्होंने ही मार्मिक करके जो पहली उपन्यास थी उसकी शुरुआत जब की थी, तो यही सामना में इसी दफ्तर में मार्मिक का भी एक ऑफिस है और वहीं से इसका सिलसिला शुरू हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ठाकरे परिवार के ऊपर है। ऐसे में हालांकि अभी तक शिंदे गुट की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या वो सामना के ऊपर अपना अधिकार जमाए। इन बिल्डिंग्स के अलावा शिंदे गुट पार्टी के फंड पर भी दावा कर सकता है। 2020-21 की एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना का कुल एसेट 19 करोड़ 18 लाख का है, जबकि 2020-21 में शिवसेना को कुल इनकम 13 करोड़ 84 लाख की हुई थी। इसके अलावा शिवसेना के अलग अलग जगहों पर भी पार्टी कार्यालय हैं, शिंदे गुट की नजर उस पर भी है। सिर्फ मुंबई में शिवसेना की 227 शाखाएं हैं, जबकि अगर बात मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की करें तो वहां पर करीब 500 शाखाएं हैं।
महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के कार्यालय हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शिंदे गुट को पार्टी का नाम यानी शिवसेना और चुनाव निशान मिलने के बाद अब इसी पार्टी से जुड़ी हुई जो शाखाएं हैं पूरे मुंबई में करीबन 227 शिवसेना की शाखा है और MMR रीजन में करीबन 500 शाखाएं हैं जिसमें थाने भी आता है। उन्हीं में से एक हम इस समय शाखा आपको दिखा रहे हैं जो मुंबई के गिरगांव इलाके या हम कहें दक्षिण मुंबई में स्थित है। इसी तरीके की ये ऐसी एक शाखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शिवसेना पर पूरी तरीके से अधिकार शिंदे गुट का हो चुका है, चुनाव आयोग ने चुनाव निशान के साथ साथ नाम भी दे दिया है, तो आखिर इन पर अधिकार किसका है? तो ऐसे में जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है, चूंकि जो शाखाएं होती हैं खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए और शिवसेना की शाखा की बात की जाए, तो ज़्यादातर जो शिवसेना के शाखा प्रमुख होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर वार्ड के या रीजन के कोई प्रमुख होते हैं, उनकी या तो खुद की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है या वो किसी रेंट पे उसको ले लिया करते हैं या कुछ ऐसी भी होती हैं जो इलीगल तरीके से ही बनाई जाती हैं। लेकिन ऐसे में जब किसी की ये प्राइवेट या निजी संपत्ति होने की वजह से शाखा प्रमुख के अगर ऐसा होता है तो ऐसे में किसी भी पार्टी का खासतौर पर जिसको नया अधिकार मिला है वो इसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता है। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा दावा शिंदे गुट का है कि उनके पास कॉरपोरेटर समेत विधायक और सांसदों की भी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें बात बनती है। और यहाँ पर ही अगर आप देखें तो शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है। शाखा के ठीक सामने जो पोस्टर आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर मराठी में लिखा हुआ है कि शिवसैनिक आणि ठाकरे म्हणजे शिवसेना। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब बात शिवसेना की आती है तो वो शिवसैनिक हो चाहे शिवसेना हो वो सिर्फ ठाकरे से संबंधित ही मानी जाती है। और इसी तरीके के बैनर पोस्टर जब से ये चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय शिंदे गुट की तरफ गया है तभी से इस तरीके के बैनर पोस्टर हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, ज़्यादा जो शिंदे गुट के लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अब आगे जो उनका कदम होगा इस पार्टी से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ पर होगा, खासतौर पर जो शाखाएँ हैं जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर, इसको देखते हुए पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। एक तरफ शिंदे गुट लगातार संपत्तियों पर अपना कब्जा करता जा रहा है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी EVM वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूँ कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है, बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। एक तरफ शिंदे गुट धीरे धीरे संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की सारी उम्मीदें अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। बुधवार को सुनवाई के लिए वक्त दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती है या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।